हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे देसी गुलाब के बारे में। ये जो आप वीडियो में प्लांट देख रहे हैं, देसी गुलाब का पौधा है और इस प्लांट के ऊपर काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। कुछ दिन पहले ही मैंने इस प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग की हुई थी, तो सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद इसमें फिर से अच्छे से फूल खिले हुए हैं। वर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे और फूल भी अच्छे से खिले हुए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने गुलाब की किस तरह से केयर करें, कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र डालें और कौन कौन से टिप्स फॉलो करें जिससे कि हमारा जो गुलाब का पौधा है वो हेल्दी बना रहे और उसमें फूल भी काफ़ी अच्छे से खिले। तो सबसे पहला काम करना है, हमने अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ इसको 4 से 5 घंटे की धूप आसानी से मिलती रहे। धूप में रखेंगे तो इसमें अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी और इसकी पत्तियों का रंग भी लश ग्रीन बना रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि जो गुलाब का पौधा है वो सिर्फ विंटर सीजन में ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुलाब का जो पौधा है वो परमानेंट फ्लावर प्लांट है, उसमें गर्मियों में भी फूल आते हैं, बरसात में भी गुलाब के पौधे के ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग होती है और सर्दियों के मौसम में भी इस प्लांट के ऊपर फूल आते हैं। ज़रूरत है कि इसको सही जगह पे रखें और इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र डालें और टाइम टाइम पे इसकी केयर अच्छे से करते रहें। तो सबसे पहला काम करना है इसको धूप वाली जगह पे रखें जहाँ इसको अच्छे से धूप मिलेगी। धूप मिलेगी तो इसमें फूल भी अच्छे से खिलेंगे। और सेकंड जो काम करना है, इसकी जो वेल ड्रेन मिट्टी है उसको हमें चेक करते रहना है। जैसे बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में भारी बारिश होती है तो बारिश होने के कारण इस प्लांट की जो मिट्टी है वो हार्ड हो जाती है। तो हमने ऐसा देखना है कि हमारे जो गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, उसको सॉफ्ट बनाना है, उसकी हमें हल्की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से जो गमले की मिट्टी है वो सॉफ्ट होती है और अगर मिट्टी सॉफ्ट होगी तो जो प्लांट की रूट्स होती हैं, जब भी हम अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारा प्लांट हेल्दी बना रहता है। अगला काम करना है, हमने अपने प्लांट के ऊपर जो फूल खिले हुए होते हैं, खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, उनको निकाल देना है, उनकी डेड हेडिंग कर देनी है। मुरझाए हुए फूलों के डंठल प्लांट के ऊपर नहीं रखना है, उनको कट कर देना है। उनको काटने से ही हमारे प्लांट के ऊपर फिर से वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेज निकलती हैं और उन्हीं के ऊपर फिर से फूल खिलते हैं। गुलाब के पौधे की प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। जितनी ज़्यादा हम प्रूनिंग करेंगे इसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेज आते हैं और जो न्यू ग्रोथ होती है उसी के ऊपर फूल खिलते हैं। गुलाब के पौधे के ऊपर कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर फूल नहीं आते हैं, ना ही उनके ऊपर न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो ऐसी ब्रांच को हमने अपने प्लांट से निकाल देना है, डेड ब्रांच को प्लांट के ऊपर नहीं रखना है। जिन ब्रांचेज के ऊपर फूल नहीं खिलते हैं उनको हमने नीचे से कट कर देना है, तभी उनके ऊपर फिर से न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी और जितनी ज़्यादा प्लांट के ऊपर न्यू ग्रोथ होगी फूल भी उतने ज़्यादा ही खिलेंगे। अब बारी आती है प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने की। तो हमें अपने प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालना चाहिए और जब भी प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना है तो गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। सूखी मिट्टी को सुखा लेना है, हल्की सॉफ्ट बना लेना है, उसके बाद मिट्टी को सुखा लेना है, सूखी हुई मिट्टी के ऊपर ही फर्टिलाइज़र डालना है। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में यूज़ करेंगे वो है उबली हुई चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को यूज़ करने के बाद, धोने के बाद मैंने सुखा लिया है, आज उसी का फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट की जड़ों में डालना है। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छे से होती है। इसकी जगह आप बर्मी कंपोस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, चाहे गाय के गोबर की जो पुरानी खाद होती है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने एक पुरानी बोतल को काट के रख लिया है, उसमें आधा लीटर पानी मैंने डाल दिया है। अब इसी में उबली हुई चाय की पत्ती को डालेंगे और उसको एक दिन के लिए इसी तरह से रख देना है। जब ये अच्छे से इसमें घुल जाएगा फर्टिलाइज़र, उसके बाद हमने अपने प्लांट की जड़ों में डाल देना है।
तो यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है, इसको हम अपने प्लांट की जड़ों में डाल देंगे। और जो दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसमें है ऑनियन पील फर्टिलाइज़र, पोटैटो पील फर्टिलाइज़र और बनाना पील फर्टिलाइज़र। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज के छिलके ले लिए हैं, इनमें कुछ पोटैटो के छिलके हैं और कुछ गार्लिक के छिलके हैं। और इनको बनाने के लिए मैंने एक बॉटल के जार में पानी ले लिया है। अब इसको मैं पानी में डालूँगी और कुछ यहाँ पे केले के छिलके भी हैं। केले के छिलके में पोटाशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। ये जो केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र बनता है इससे हमारे प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल खिलते हैं। तो इनको बनाने के लिए मैंने एक बोतल के जार में पानी ले लिया है और इन सारे जितने भी ये छिलके हैं इनको मैंने एक दिन के लिए इसी पानी में रख देना है और दूसरे दिन इस पानी को मैंने डाइल्यूट करने के बाद अपने प्लांट की जड़ों में डाल देना है। अब यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है, इसको हम एक बर्तन में डाइल्यूट कर देंगे। ये जो बनाना पील फर्टिलाइज़र, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र और पोटैटो पील फर्टिलाइज़र होता है, इसको डालने से हमारे प्लांट के ऊपर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये सभी फूल वाले पौधे के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, चाहे रोज़ प्लांट हो, चाहे हिबिस्कस का प्लांट हो या मोगरा के प्लांट हो, सभी फूल वाले पौधे के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमें अपने हर प्लांट के ऊपर यूज़ करने चाहिए। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उनका रिजल्ट काफ़ी जल्दी देखने को मिलता है और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं इनका रिजल्ट थोड़ा देरी से आता है। तो आप भी इसी तरह से अपने घर में गुलाब के पौधे की केयर कीजिए, उसको फुल सनलाइट में रखिए, उसमें अच्छे से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालिए, उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए, फिर देखिए। सॉफ्ट प्रूनिंग करने से ही हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर मल्टीपल ब्रांचेज आती हैं और मल्टीपल ब्रांचेज के ऊपर ही ढेरों फूल खिलते हैं।